दोस्तों इस्तकबाल है आपका नज़र इंडिया न्यूज़ में। और जिस तरह से बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट में हुआ, उसके बाद में जो भी फैसला आया उसे सारे मज़हब के लोगों ने माना और सुकून से रहते हैं मुसलमान और हिंदू, इसकी एक मिसाल पेश की। और मुमरा कौसा जो कि मुस्लिम अक्सरीत इलाका है और हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ रहते हैं, तो इस वक्त आज अमृत नगर की बीट चौकी के जो इंचार्ज हैं आरएल शेले, उन्होंने मीटिंग ली और जायज़ा लेके कोशिश की है जानने की कि लोगों के बीच में क्या माहौल है, किस तरह से इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं लोग और क्या ख्याल है लोगों के। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। इस्तकबाल है सर आपका नज़र इंडिया न्यूज़ में, क्या कहेंगे सर, क्या लगा आपको? नमस्ते। हमारे जो मेरा बीट अमृत नगर जो है बीट क्रमांक 2 मुमरा पुलिस स्टेशन, इस बीट पे मैं खुद सब इंस्पेक्टर शेले और सब इंस्पेक्टर कांबड़े और बीट इंचार्ज पुलिस हवलदार चाचर मेजर और सैयद मेजर ये सब है। सब हम रोज़ पेट्रोलिंग करते हैं तो मुमरा वाले वासियों लोग बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं, वो सब हिंदू मुस्लिम भाई सब समाज के लोग सब एक मिलजुल रहते हैं। और आगामी सन आने वाले 6 दिसंबर, इसमें अध्यक्ष कांबड़े और अंजुम भाई दरगाह के जो अध्यक्ष है वो मंजूर भाई हम सब ने मीटिंग लिया है। सब मुमरा में कोई टेंशन नहीं है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। आगामी वो ये सब मुस्लिम लोग भी हो 6 दिसंबर को सब त्यौहार में शामिल होने वाले हैं और सब कोऑपरेट कर रहे हैं। मुमरा में कोई ऐसा टेंशन नहीं है, सब सुख शांति से रहते हैं। और हमने मुमरावासी को ऐलान किया है, कुछ भी हो तो पुलिस आपके साथ में है, आपके त्यौहार में सब जो काम में जो किसको ज़रूरत है कुछ भी 24 घंटे हाजिर है, बस इतना ही। तो जिस तरह से आपने देखा, तो आइए बात करते हैं दरगाह के जो खादिम हैं मंजूर अली पठान से। सर क्या आपने मीटिंग ली यहाँ पर? मीटिंग ली पुलिस क्या आगे, क्या है? इंचार्ज आए हमारे इधर अमृत नगर इंचार्ज के, हम लोग सब एक एकता ही है, सब दोस्त लोग ही अंबे के नगर के भी सब है, कुछ भी एक दूसरे को होता है पुलिस को ही बताएगा और ये करेगा, इंशाल्लाह अच्छे से होएगा एकदम। यानी कि जब यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पर मीटिंग ली, देख रहे हैं हम लोग के दूसरे मज़हब के अंबेडकर नगर में, हम देखेंगे कि दोनों ही मज़हब के लोग साथ में रहते हैं मिलजुल के। और अक्सर मुमरा में देखा गया है कि मुमरा की तो ये तारीख रही है कि 92 के जब दंगे थे तब भी यहाँ पर कुछ नहीं था और इस शहर ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे अमृत नगर बीट चौकी के इंचार्ज कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ दिखाइए, एक और हमारे सैयद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सैयद साहब और शेले साहब, तो ये भी एक बात है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही फिरके के लोग पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और दोनों ही मिलजुल कर काम करते हैं। और जैसे कि आज शेले साहब ने भी ये बात कही कि मंजूर अली पठान साहब और कांबड़े साहब जो कि यहाँ पर हमारे साथ हैं वो भी सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और बातें करते हैं कांबड़े साहब से। बोलिए सर क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, मुमरा में हम तो HM कभी होने देंगे भी नहीं, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही है, हम लोग सब त्यौहार साथ में ही मनाते हैं, 6 दिसंबर हो या संदल हो हम लोग सब साथ में निकालते हैं। जिस तरह से अभी बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ और दोनों ही मज़हब के लोगों ने जहाँ तक जो कोई नहीं चाहता कि इस मुल्क में अमन शांति ख़त्म हो, लड़ाई झगड़ा हो, और दोनों ही मज़हब के लोगों ने उसे समझदारी से स्वीकार किया। और जहाँ अब तक हमारे मुमरा कौसा का माहौल है तो यहाँ पर तो इस फैसले को लेकर किसी ने ना कुछ एहतजाज किया ना कुछ गलत बात कही, जिससे भी हमने पूछा उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला है। और जैसे कि अभी 6 दिसंबर है और उस दिन अक्सर देखा जाता था कि काला दिवस कोई मनाता था और कोई शौर्य दिवस मनाना था, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आपसी नफरत पैदा करने वाले? कुछ नहीं, जिसके मन में काला रहेगा वही ऐसा कर सकता है, बाकी हम दोनों सेम है तो हम काय को ये सब करें। पहली बात तो मुमरा वासियों इतने समझदार है कि कभी आज तक HM होने देंगे नहीं और लास्ट तक कभी होएंगे भी नहीं, पुलिस वाले हमारे साथ में है तो कुछ टेंशन भी नहीं हमें, बस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तो एक ये बहुत बेहतरीन मैसेज दिया हमारे मुमरा पुलिस के विभाग ने भी और हमारे शेले साहब ने भी, सैयद साहब ने भी और वरिष्ठ मधुकर कड़ साहब, और साथ में हम करडे साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो जिस तरह से मुमरा में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन्होंने नशे के खिलाफ भी बेड़ा उठाया है और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए यहाँ पर। तो हमारे चैनल के बिहाफ से नज़र इंडिया न्यूज़ की तरफ से हम हमारे सभी पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, कैमरामैन और मुमरा वासियों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, कैमरामैन समीर सैद के साथ आदिल खान, नज़र इंडिया न्यूज़।